रोड रेस केस में मनोरमा के पति बिंदी यादव और बेटा रॉकी यादव पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अब मनोरमा को पुलिस के सामने सरेंडर करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने 11 मई को मनोरमा के घर उनके बेटे रॉकी यादव की तलाश के सिलसिले में छापा मारा था। इस दौरान पुलिस को मनोरमा के घर से महंगी विदेशी शराब की कई बोतलें मिली थी। बिहार में शराब बैन है, इसके लिए उन पर अवैध शराब रखने के जुर्म में केस दर्ज किया गया था। इसके अलावा उन पर चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया था। उनके घर से एक बच्चे को छुड़ाया गया। आरोप है कि मनोरमा देवी ने इस बच्चे को जबरदस्ती नौकर के तौर पर रखा था। जेडीयू मनोरमा को पार्टी से पहले ही सस्पेंड कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।